नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। आप सबने हमेशा ये देखा होगा कि पूजा पाठ में हम लोग केले के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। आज भी साउथ के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं और खिलाते भी हैं। तो आचार्य जी आपको ये बताएंगे कि केले के पत्ते का महत्व एस्ट्रोलॉजी में क्या है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि भाई केले के पत्ते में क्यों खाना चाहिए, तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, कि यदि हम केले के पत्ते पे खाना खाते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से क्या फायदे हो सकते हैं। नमस्ते। देखिए, केले का पत्ते का महत्व तो सालों से चल रहा है और उसकी ऊर्जा जो है उसे हेल्थ के साथ में आयुर्वेदिक में भी और साउथ के लोग, जो साउथ के एरिया के, जो इंडिया के साउथ के लोग हैं, वो ज़्यादा करके केले का उपयोग करते हैं। जैसे खाने में केला खा लिया या केला कच्चा केला को उपयोग कर लिया, केले के पत्ते को उपयोग कर लिया, तो ये बहुत महत्व है। और उसको अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करता हूँ तो जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो हम उसे केले के जार की पूजा करने के लिए बोलते हैं। ये एक उपाय के तौर पे हम बोलते हैं कि केले के जार की पूजा आप करते हो तो उसके अंदर आपको उसका बेनिफिट शादी के लिए देखने को मिलता है। या अपने जीवन के अंदर या वैवाहिक जीवन में कोई तनाव या प्रॉब्लम्स होते हैं तो केले के जार की पूजा करने से भी आपको फायदा मिलता है। क्यों ऐसा? केले का जो जार है वो अगर हम उसको ग्रहों के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जुपिटर मतलब गुरु जो ग्रह है वो उनका वहाँ पे कनेक्शन है। भगवान की बात करें के तो विष्णु जी के वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो विष्णु जी की केले के पत्ते की पूजा करना मतलब एक विष्णु जी की पूजा करने बराबर हो जाता है। सो अगर आप केले के पत्ते को, अभी जैसे मैंने बताया कि कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है तो लड़की के लिए कुंडली के अंदर पति को अगर देखना है तो हमें गुरु को देखना पड़ता है, बृहस्पति को देखना पड़ता है कि उसके कुंडली में कहां पर उसका पोजिशन है और उसके बेस पे हम उसको उपाय बताते हैं। जैसे आप जेमस्टोन से भी देख सकते हैं, क्रिस्टल से भी आप गुरु का उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये सरल और सस्ता उपाय की बात करें तो ये केले का पेड़ की पूजा करना ये सबसे आम उपाय माना जाएगा। किसी को संतान नहीं हो रहा है तो केले की पूजा करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि गुरु का जहां जहां भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में हो रहा है वहां वहां वो केले का पत्ता या केले का झाड़ की पूजा का उपाय आपको बेनिफिट देगा। अब यहां सवाल आता है कि पति का, सो पति से हमने केले के झाड़ को कनेक्ट कर दिया है गुरु से और गुरु से केले के झाड़ को कनेक्ट कर दिया, तो फिर क्या हम इस केले के झाड़ के पत्ते को या केले के झाड़ को क्या हम सभी के लिए यूज नहीं कर सकते, क्या सभी के ग्रहों को ठीक नहीं कर सकते? तो अगर लड़की की शादी के लिए का एक रेमेडीज के तौर पर सीमित न रखते हुए हम इसको आज आपको बताते हैं, आप उसको सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि केले का जो पत्ता है उसका अगर आप उसमें रोज खाना खाते हैं तो केले के पत्ते की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अब केले के पत्ते के अंदर एक गुरु की ऊर्जा है, ओके, जैसे जाड़ में गुरु की ऊर्जा है वैसे ही पत्ते में भी गुरु की ऊर्जा है, न्यूट्रिशियस है। उसमें खाना खाने से आपको उसका न्यूट्रिशियस पाउडर जो है वो आपके खाने के अंदर और मिलावट हो जाती है और आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, न्यूट्रिशियस वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए डॉक्टर में भी इसको या आयुर्वेदिक में भी इसको ज्यादा करके माना गया है।
दूसरा डाइजेशन इश्यूज होता है वो भी इस पत्ते पे खाना खाने से सॉल्व होता है। सो ये मेरा ये मानना है कि अगर पहले के जमाने में आपने देखा होगा जब थाली नहीं थी, स्टील नहीं था, बर्तन नहीं थे, तब हम केले के पत्ते पे ही खाना खाते थे। और उसकी वजह से, क्योंकि केले का पत्ता या केले का झाड़ जो है वो गुरु के साथ कनेक्टेड है, गुरु कुंडली के अंदर 5 से 7 भावों का अधिपतित्व दिखाता है। मतलब अगर मैं कुंडली का 12 भाव पकड़ता हूं तो 12 भाव में शनि एंड गुरु ये मैक्सिमम भाव के रूलिंग प्लैनेट है, जिसको कारक तत्व बोला जाता है, जिसका वो प्रभुत्व रखते हैं उस भाव को रिलेटेड। जैसे गुरु की बात करें तो दूसरा भाव जिसके अंदर धन भाव और कुटुंब भाव, 5वां भाव संतान का भाव जिसका गुरु अधित्व करता है, 7वां भाव के अंदर पति को गुरु कनेक्ट करता है, 9वें भाव के अंदर धर्म और भाग्य को कनेक्ट करता है, और 5वें भाव में पढ़ाई, 9वें भाव में पढ़ाई को भी गुरु, विद्या या नॉलेज को भी गुरु कनेक्ट करता है। 11वें भाव में अगर बात करते हैं तो 11वें भाव में गुरु का जो कारक तत्व रहता है वे मैक्सिमम, हम बात करें तो वहां पे आपके बड़े भाई बहन के लिए उसको जोड़ा जाता है। 10वीं भाव में भी गुरु का कारक तत्व है जो नॉलेज को बढ़ाता है। 10वां भाव अगर हम बात करते हैं तो 10वां भाव हमारे बिजनेस को कनेक्ट करता है कुंडली के हिसाब से, तो जो बिजनेस है उसके अंदर नॉलेज की जरूरत होती है, वो गुरु को कनेक्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं कि गुरु का 5 भाव गुरु के प्रभुत्व में है, तो कुंडली के अंदर अगर शनि बाकी के जो भाव बचे वे भाव के अंदर भी शनि मैक्सिमम कनेक्ट करता है, तो अगर 2 प्लैनेट अगर आपके कुंडली के 12 भाव को मैक्सिमम कनेक्ट कर रहा है, और ये दोनों भाव, दोनों ग्रह अगर आपके किसी भी तरह खराब है, तो आप सोचो आपके मैक्सिमम कुंडली के ग्रह जो है, भाव है, वे आपके डैमेज हो जाते हैं। तो जैसे गुरु खराब हो गया तो आपका कुटुंब के साथ में रिलेशन खराब हो जाता है, धन भाव तो धन का कारक है तो धन में दिक्कतें आ जाती है, संतान के साथ प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पति के साथ में तकलीफ हो जाता, तनाव हो जाता है, फिर बड़े भाई बहन के साथ में अच्छा नहीं होता है, बिजनेस के अंदर पूरा नॉलेज न आने की वजह से बिजनेस ठीक से नहीं चलता है। तो आप सोचो इतने भावों को गुरु कनेक्ट करता है, उसकी सरल पद्धति अगर आपने रोज केले के पत्ते के ऊपर खाना खाना चालू कर दिया तो गुरु आपका कुंडली का ठीक हो गया, आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बढ़ जाती है, आपके अंदर वो जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है जो गुरु के लिए। सो साउथ के अंदर तो केला ज्यादा होता है इसीलिए केला खाते हैं, वैसा नहीं है, उनको वो चीज का महत्व समझ में आ रहा है इसीलिए वो खाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम हम लोग, पहले तो ऐसा था कांसा में खाना खाया जाता था, तो क्यों कांसा के धातु के अंदर खाना खाते थे, उसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलती थी, इसीलिए कांसा को हम यूज करते हैं। उसके बाद वे उसकी जगह पे पित्तल ले लिया, पित्तल में खाना खाते हैं, वे भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसीलिए अच्छा था। सबसे पहले जब धातु नहीं गिन रही थी तभी हमें मिट्टी में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे, मिट्टी में खाना खाते थे। तो वे जो खाना खाते थे हम, तो खाना किस में खाते हैं वो बहुत महत्व है, और वो जो महत्व है ना, इसका वैल्यू आपके खाने के अंदर एडिशन होती है और वो आपको मिलती है। तो अब आज की बात करें तो आपने वो सब चीजों को छोड़ते हुए स्टील के अंदर, स्टील का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई वैल्यू न्यूट्रिशंस में ऐड नहीं होता है। फिर हम कागज की या थर्मोकोल की प्लेट में खाना खाना चालू कर दिया, और आपने देखा होगा कि कागज के अंदर हम खाना खाते हैं, मतलब खाना, मतलब बाहर अगर आप जाते हो तो आपने सेव पूरी खा ली या आपने ऐसी कोई भी चीज कागज की एज ए प्लेट के तौर पे न्यूज़पेपर के ऊपर वे बना के हमें देते हैं कुछ भी खाना,
अब आपको पता है कि न्यूज़पेपर या तो कोई भी मैगजीन का पेपर के ऊपर वो देता है, वो क्या खरीदने जाता है? मैं आपके लिए सुबह सुबह उसने न्यूज़पेपर लिया है कि जिसके ऊपर वो खाना देता है। हमारे घर के अंदर जो पस्ती है, जो हम पस्ती के तौर पे हम दे देते हैं, हमारा जो न्यूज़पेपर घर में आते हैं, वो पस्ती के अंदर कितनी डस्ट लगी है वो हमने पस्ती के तौर पे दे दिया। वो पस्ती के पास जाता है, वहां से वो थोक में खरीदते हैं और उसको क्या वो पानी से धो सकते हैं? नहीं धो सकते, और उसी को वो यूज करते हैं हमें खाना देने के लिए। तो आप सोच लीजिए क्या वैल्यूएशंस हमें खाने के अंदर मिल रही है। तो खाना की जो न्यूट्रिशंस है वो तो हमें मिले कि ना मिले, क्योंकि आज के दौर पे खाने की न्यूट्रिशंस कितनी अच्छी मिलती है वो आप भी जानते हो, लेकिन उसके अंदर ये नेगेटिविटी और ऐड हो जाती है, किसके घर से कौन सा न्यूज़पेपर आया। तो हमें ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए खाने के तौर पे। दूसरा, ये जो पत्ते हैं वो कोई ज्यादा महंगे आते नहीं है, उसको साफ करना बहुत अच्छा है, तुरंत आप धो के उसके ऊपर खाना खा सकते हैं, लेकिन धोने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, वो अपने खाने को ऐड करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम खाना खा लेते हैं तो उसको धो के वापस आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने यूज नहीं करना है तो उस पत्ते को आपने क्या करना है, फेंक देना है। तो जब आप उसको फेंक देते हैं तो वो जमीन के अंदर वापस, एक पत्ता है जमीन में जाता है, खाद बन जाता है और रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रीज में काम आ जाता है। तो ये भी एक नेचर के लिए बहुत बड़ी बात हमारे लिए होती है। तो इसकी वैल्यू इस तरह से हम आज के दौर में अगर बढ़ाते हैं, और मैं आपको खुशी की बात बता दूं तो महेंद्र ऑटोमोबाइल वाले है आनंद महेंद्र जी ने, उन्होंने अपने कैंटीन के अंदर इसको एज ए थाली के तौर पे उसको चलाया है अभी, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने जीवन में ग्रहों को ठीक करने के लिए इसी समझ रखते हैं, और उसका जो वैल्यूएशन प्रोडक्ट है उसको आप समझते हैं, अगर उसको इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आपकी सारी वैल्यू जो है वो अपने आप बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका वैल्यूएशन आपके जीवन में बढ़ जाता है। तो बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहा आप सबके लिए, और हम सब ने सीखा कि भाई केले के पत्ते पे क्यों खाना चाहिए। और आचार्य जी ने ये बताया कि भाई मिट्टी के बर्तन में पहले हम लोग खाना खाते थे, आज भी हमारी मिट्टी के अंदर वो गुण है कि यदि हम उसे अपने शरीर पर लगाए, जैसे काली मिट्टी और लाल मिट्टी वगैरह जो होता है, कुछ चीज़ें मिलाकर लोग कुष्ठ रोग तक समाप्त करवा देते हैं, तो मिट्टी में वो गुण है। तो आप सबसे उम्मीद यही है कि आप भी केले के पत्ते पे खाएं। प्राचीन परंपरा को यदि हम वापस लेके आते हैं तो हमारे हेल्थ और वेल्थ और नेचर से भी कनेक्ट है, दोनों के लिए अच्छा होगा। और जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जमीन हमेशा कुछ न कुछ हमें देती ही है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।